तो आज हम बना रहे हैं ये क्रीमी पालक पास्ता, जो बहुत ही यम्मी होता है और जिसमें कोई सॉस यूज नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बना रहे हैं जो पास्ता, उसमें हम पालक यूज करेंगे। देखिए कितनी फ्रेश पालक है। इस पास्ते की खास बात है कि हम इसमें एक भी सॉस यूज नहीं करेंगे, नॉट इवन टमेटो, नॉट ग्रीन चिली, नॉट सोया सॉस, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये इतना यमी और हेल्दी बनेगा कि आप और आपके बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इंग्रेडिएंट और कैसे झटपट बनता है पास्ता। बट बिफोर दैट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ लाइक माई फेसबुक पेज। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मेजरमेंट बताना चाहती हूँ। देखिए, मैंने एक पूरा भर के पालक लिया है, प्लेट भर के, और मैंने उतना ही पास्ता भी यूज़ किया है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पालक ज़्यादा ही है, तो हमें सेम अमाउंट में आप पालक थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बाउल में मैंने पानी गर्म किया है, आप देख रहे हैं बॉयल हो रहा है पानी, और मैंने ये पालक को ऑलरेडी धो लिया था, तो अब मैं इसमें पानी में डाल दूँगी बॉयल होने के। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं पालक का कलर चेंज हो चुका है, तो अब मैं इसे निकाल के, यहाँ ठंडा पानी मैंने बर्फ डाल रखा है, तो मैं ये ठंडे पानी में इसे डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसी पानी को हम यूज करेंगे पास्ता बॉईल करने के लिए। मैंने देखिए 1.5 चम्मच सॉल्ट लिया है इसमें, और अब हम ये पास्ता भी इसी में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये पालक को अब हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। ये ठंडी हो चुकी है, इसका कुकिंग प्रोसेस भी हमने ठंडे पानी में डाल के रोक दिया था, तो ये सेमी बॉइल्ड हो चुकी है। तो अब हम इसे पीस लेंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली डाल सकते हैं आपके स्वाद अनुसार, बट मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, बट अप टू यू, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी पालक की ग्रेवी रेडी है। हमने 10-12 इसमें गार्लिक लेंगे और इसे अब हम चॉप कर लेंगे अच्छे से। देखिए, हमारा पास्ता भी बॉईल हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको बंद कर दूँगी और इस पास्ते को ढक के रखूँगी जब तक हमारी ग्रेवी रेडी होती है। पैन लिया है मैंने, उसमें मैं डालूँगी बटर, और बटर के साथ मैं डालूँगी थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल, ताकि वो जले नहीं। तो हमारा बटर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, और मैं अब इसमें डालूँगी गार्लिक जो हमने चॉप किए थे। गार्लिक हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी पालक की जो प्यूरी। अब हम पालक की प्यूरी को पकने देंगे थोड़ी देर। तो अब हम फ्रेंड्स अपना पास्ता भी देख लेते हैं जो ढक के रखा था हमने। ये देखिए, अगर आप देखें पास्ता ऊपर आ गया है थोड़ा सा, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया, और पानी भी आप देखेंगे कम हो गया। अब हमारा पास्ता रेडी है ग्रेवी में जाने के लिए। फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी भी रेडी है पालक की, और ये पास्ता भी रेडी है, तो बस अब हम पास्ता यहाँ से सीधा ऐसे डाल देंगे इसमें। सो फ्रेंड्स, अब इसी पास्ते में हम मिलाएंगे बेस इटालियन सीजनिंग। देखें, 1 टेबल स्पून में लूँगी, और ये मेरे पास बेसल लीव है, मैंने ये भी 1 टेबल स्पून लिया है, इसका टेस्ट कुछ डिफरेंट आता है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब लास्ट इसमें हम डालेंगे, मैंने क्रीम चीज ली है 3 टेबलस्पून, अब मैं ये क्रीम चीज इसमें डाल दूंगी। तो अब इसमें हमें ना मिल्क मिलाने की जरूरत है, ना चीज अलग से श्रेडेड चीज डालने की जरूरत है, बस क्रीम चीज डाले इज इनफ। ये ध्यान रखना, मेक श्योर कि ये क्रीम चीज़ थोड़ा सा मेल्ट होने में टाइम लगता है, तो आपको चलाते रहना है ताकि वो मेल्ट हो जाए। सेकेंड थिंग, अगर आपको ऐसे ड्राई रखना है तो ठीक है, बट अगर आपको क्रीमी थोड़ा सा लिक्विडी चाहिए, तो आप ये जो हमारा पास्ते का पानी है उसी को इसमें डाल लेंगे, तो उससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। मैंने एक कप पास्ते का पानी डाल लिया है, ताकि हल्का सा ग्रेवी वाला पास्ता बने क्रीमी। वैसे भी हमने इसमें क्रीम चीज़ मिलाया है, तो वो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो हमें इसमें मिल्क मिलाने की अब ज़रूरत नहीं है।
देखिए हमारा क्रीम चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब लास्ट इसमें हम ब्लैक पेपर क्रश करके डालेंगे। अगर आपको सॉल्ट कम लगता है तो आप सॉल्ट डाल लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सॉल्ट इसमें कम लग रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें ब्लैक पेपर भी डाला है क्रश करके। अब हम सर्व करेंगे, तो इसमें हम सर्व करते वक्त थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, बट इट्स ऑप्शनल। अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। पास्ता रेडी हो, मेरे बच्चे खा रहे हैं, तो चलिए पूछते हैं बच्चों से कैसा लगा उन्हें पास्ता। हाउ इज द पास्ता सलोनी? इट्स गुड, आई लाइक इट। यू लाइक इट? शनाया, हाउ इज द पास्ता? पास्ता। एज अ मदर हम लोग हमेशा सोचते हैं बच्चों को कितना हेल्दी खिलाया जाए, तो इससे हेल्दी कुछ नहीं। पालक के साथ पास्ता बच्चों का फेवरेट होता है, और हमने सॉस भी यूज़ नहीं किया तो गिल्ट भी नहीं आता है। तो प्लीज़ आप भी ये ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए और बताइए मुझे कि ये रेसिपी आपके बच्चों को कैसी लगी। आपका तो नहीं, पर आपके बच्चों का राय जानना चाहूँगी। तो मिलते हैं, बाय।